Morning students, आज मैं अपने वीडियो में ये लेके आया हूँ और ये वीडियो क्लास सिक्स की एसएसटी का चैप्टर नंबर 9 है जो हिस्ट्री से लिया गया है। चैप्टर का नाम है मौर्य एम्पायर एंड अशोक। इससे पहले मैंने एक वीडियो दी थी और आज मैं ये वीडियो फिर से बना रहा हूँ। इसमें हम लोग जो है वो मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे और मौर्य साम्राज्य के साथ साथ हम लोग जो है वो अशोक के बारे में भी जानेंगे। चलिए हमने आपसे इसके पहले के वीडियो में बहुत सारी चीजें बताई थी, आज हम लोग जिन पॉइंट्स पर डिस्कशन करने वाले हैं वो पॉइंट जो है यहाँ है। पहला हम लोग जो है अशोक के धर्म के बारे में जानेंगे कि अशोक ने किस प्रकार से जो है धर्म को स्वीकार किया। इससे पहले हमने अशोक के कलिंग युद्ध के बारे में पढ़ा और हमने जाना कि अशोक ने कलिंग के युद्ध में भीषण नरसंहार किया और उस भीषण नरसंहार के कारण उसका हृदय जो है वो द्रवित हो गया और वो जो है उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। और बौद्ध धर्म स्वीकार करने का मतलब जो है उसने हिंसा न करने की बात को अपना लिया। आगे हम लोग जो है पढ़ेंगे अशोक मैसेज एंड प्रोपगेशन ऑफ अशोक के क्या मैसेज थे, अशोक ने संसार को कौन सा मैसेज दिया और उसके बाद जो है धर्म का प्रचार और प्रसार किस प्रकार से हुआ, धर्म जो है वो किस प्रकार से माना गया, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद जो है अशोक के कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, अशोक का क्या कंट्रीब्यूशन था, अशोक का जो है किस प्रकार से योगदान था। लगातार जो है अनिश्चित व्यवस्थाएं या ऐसी कंडीशंस को जो है वो
बनाकर रखते थे, इससे लगातार संघर्ष जो है वो चलता रहता था। तो इस प्रकार से हमने जो है अशोक के धम्म के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे अशोक ने कौन सा संदेश दिया और किस प्रकार से धम्म का अनुपालन किया गया। तो अशोक ने जो है कई तरीके से धम्म को अपनाया, देखेंगे। तो हम अशोक की बात करें तो अशोक ने धम्म को जो है या जो धम्म का संदेश था वो जो है चट्टानों और शिलालेखों पर लिखवा दिया। ऐसे चार शिलालेख थे, चार में से सात देखेंगे 14 रॉक एडिक्ट थे, 14 जो है वो चट्टाने थी और सात जो है वो पिलर थे जिनमें जो है धम्म की जानकारी प्रदान की गई। इसके अलावा अगर हम अशोक की बात करें तो अशोक जो है वो सीधे सीधे अपनी प्रजा से बात करता था और अपनी प्रजा को जो है धम्म के पालन का संदेश देता था, देखेंगे। तो जो भी शिलालेख हमें मिले हैं वो सब प्राकृत भाषा में मिले हैं और आपको बताना चाहूंगा उस समय जो प्राकृत भाषा थी वो आम जन की बोलचाल की भाषा थी। इसके अलावा अगर हम उसकी बात करें तो उसने जो है धम्म महामंत्रियों की जो है नियुक्ति की थी या उन्होंने अधिकारियों की नियुक्ति की थी जिसके माध्यम से लगातार लोगों तक धम्म का संदेश पहुंचाया जाता था। इसके अलावा देखेंगे तो इस धम्म के संदेश को शिलालेखों पर लिखा गया, जो लोग पढ़ लिख नहीं पाते थे उन्हें जानकारियां जो है वो प्रदान की जाती थी। इसके अलावा ही सेंट मैसेंजर, उसने जो है अलग अलग देशों में दूतों को भेजा। जैसे श्रीलंका की बात करें, मिस्र की बात करें, ग्रीस की बात करें, यहाँ धम्म के विचार को भेजा गया, धम्म के विचार प्रस्तुत किए गए। इसके अलावा उसने अपने पुत्र जिसका नाम था महेंद्र और पुत्र जिसका नाम था संघमित्रा, इसे जो है बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा। आप देखेंगे तो कई कार्यों में देखेंगे अलग अलग शिलालेख आपको प्राप्त होंगे जिसमें अशोक ने धम्म के सिद्धांतों को समझाया है, जिनमें कुछ जो है सिद्धांत इस प्रकार है, जैसे कि आपको आपसे बड़े और साथ ही साथ अपने माता पिता इसके अलावा अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, साथ ही साथ जो गरीब लोग हैं, जो निम्न तबके के लोग हैं या जो आप पर आश्रित हैं उनके साथ आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, साथ ही साथ आपको किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करनी है, साथ ही साथ आपको धन का संचय नहीं करना है, आपको नैतिकता और सत्य का जो है वो पालन करना है। तो ये जो संदेश था ये अशोक का था और ये संदेश जो है वो उनकी जनता तक जो है अशोक के माध्यम से पहुंचाया गया। पहले देखते हैं अब अशोक का क्या कंट्रीब्यूशन रहा। देखेंगे कि अशोक ने अलग अलग कार्यों के माध्यम से धम्म को प्रस्तुत किया। अशोक ने जो है लोगों में अहिंसा को जो है लोगों को अहिंसा की सीख दी, साथ ही साथ बलि प्रथा समाप्त करवा दी। साथ ही साथ देखेंगे अगर अशोक की बात करें तो उसने कई ऐसे जो है तरीके अपनाए जिन तरीकों के माध्यम से सामाजिक कल्याण किया जा सकता था। जैसे देख सकते हैं उसने पेड़ पौधे लगवाए, उसने जो है कुओं की खुदवाई करवाई, उसने नहरें बनवाई, उसने जो है बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनवाए, रेस्ट हाउस बनवाए और उसने जो है सड़कों का भी निर्माण किया। इसके अलावा अगर अशोक की बात करें तो जानवरों के लिए और मनुष्यों के लिए उसने जो है वो अस्पताल भी खुलवाए, वो दोनों में काफी सामंजस्य जो है वो स्थापित करना चाहता था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो था वो अशोक का कंट्रीब्यूशन था। तो हम पहले मौर्य वंश के प्रशासन के बारे में पढ़ते हैं कि मौर्य वंश का प्रशासन किस प्रकार से चलाया जाता था। तो देखेंगे सबसे पहले राजा की बात करते हैं। जो राजा होता था, राजा के पास एक विशाल सेना होती थी। साथ ही साथ अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख पैदल सैनिक थे, 3 लाख अगर हम देखें
को 30,000 घुड़सवार में 8,000 रथे और 9,000 हाथियों की व्यवस्था थी। ये जो व्यवस्था थी ये चंद्रगुप्त मौर्य के साथ चंद्रगुप्त की व्यवस्था थी। आगे हम साम्राज्य के विभाजन की बात करें तो साम्राज्य बड़ा विस्तृत था और इस विस्तृत साम्राज्य को चलाने के लिए इसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया। अगर हम वहां की राजधानी पाटलिपुत्र की बात करें तो पाटलिपुत्र से सीधे शासन प्रशासन जो होता था वो शासन व्यवस्था चलाता था। इसके अलावा शासन व्यवस्था को चलाने के लिए राज्य को अलग अलग प्रांतों में बांट दिया गया था और उन प्रांतों के प्रमुखों की नियुक्ति की गई थी। और देखेंगे तो जो शासक होता था वो सीधे पाटलिपुत्र जिसको वर्तमान में पटना कहते हैं वहां से केंद्रीय शासन करता था। इसके अलावा देखेंगे तो जिले और गांव में भी व्यवस्थाओं को बांट दिया गया था। इसके अलावा शासन चलाने के लिए मंत्रियों और जो है अधिकारियों की व्यवस्था की गई थी। अगर आप देखेंगे तो ये मौर्य साम्राज्य बहुत ज्यादा विस्तृत था। इसके अलावा देखेंगे तो इसमें शाही परिवार के लोग थे और सीधे सीधे देखें डायरेक्टली देखें तो जो शासक होते थे उन शासकों की अगर आप बात करें तो उन्हें सैलरी या वेतन प्रदान किया जाता था और जो शाही राजकुमार होते थे उन्हें गवर्नर नियुक्त किया जाता था। जो प्रांत बनाए जाते थे उन प्रांतों में उन्हें भेजा जाता था। इसके अलावा लोकल प्रशासन चलाने के लिए प्रांतपतियों की भी नियुक्ति की जाती थी। आगे हम देखेंगे तो शासन प्रशासन का एक और हिस्सा होता था जिसे हम कर कहते हैं। तो इतनी बड़ी सेना के मेंटेनेंस के लिए देखेंगे तो इतनी बड़ी सेना या इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती थी। तो जो है कर वसूली के लिए जो है अलग अलग प्रांतों में कर की वसूली के लिए अधिकारियों की नियुक्ति होती थी और ये जो अधिकारी होते थे ये किसानों से और अन्य माध्यमों से लगातार जो है वो कर की जो है वो वसूली करते थे। जिसमें देखेंगे तो आपके प्राकृतिक संसाधन है, आपके वन है और इसके अलावा जो शराब वगैरह और जो आग बिक्री होती थी इससे भी जो है कर प्राप्त होता था। अगर हम अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र में पूरे मौर्य साम्राज्य की विस्तृत जानकारी दी गई है और देखेंगे तो यहाँ पर सिंचाई के लिए सिंचाई का जो है व्यवस्था होती थी और उस पर भी जो है किसानों से कर लिया जाता था। जब अशोक गद्दी पर बैठा तो गद्दी पर बैठने के बाद उसने जो है मौर्य साम्राज्य में जो है कई बदलाव किए। वो सीधे तो सीधे जो है अपनी प्रजा से वार्तालाप करता था। इसके अलावा वो युद्ध राजयुग पारदर्शी और इसके अलावा राष्ट्रीय यानी कि वार्षिक इंस्पेक्शन की भी उसने व्यवस्था बना रखी थी। इसके अलावा उसके पास गुप्तचर भी होते थे जो लगातार उसके देश में उसके राज्य में क्या हो रहा है उसकी जानकारी उसे प्रदान करते थे। इस प्रकार से जो मौर्य प्रशासन था वो विस्तृत तरीके से चलाया जाता था। आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार से मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। चलिए मौर्य साम्राज्य के पतन की बात करते हैं तो देखेंगे कि अशोक की मृत्यु के बाद जो मौर्य साम्राज्य था वो मौर्य साम्राज्य जो है वो देखेंगे तो एक आधी शताब्दी तक चला। देखेंगे तो इसके बाद वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता चला गया और इसके पीछे देखेंगे तो ये जो सिद्धांत था इस सिद्धांत के माध्यम से मौर्य साम्राज्य गिरना शुरू हो गया। और अशोक के बाद जो भी शासक हुए वो कहीं ना कहीं कमजोर हुए और वो अपने जो है साम्राज्य को संभाल नहीं पाए और धीरे धीरे कई आक्रमणकर्ताओं ने आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद जो है उन्हें अपने कब्जे में ले लिया। आपको बताना चाहूंगा कि उस समय साम्राज्य इतना विस्तृत था, सेना इतनी बड़ी थी कि खर्च उठाना बड़ा मुश्किल हो पाता था। इसलिए धीरे धीरे आप कह सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य का जो है